नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारा एक बॉन्साई ट्री है, ये फाइकस का है और इसकी पत्तियां जो है वो मौसम की वजह से ख़राब हो गई है। जब पाला गिरा था तब ये बाहर रह गया था। हालांकि फाइकस जो है इतनी जल्दी मरने वाला प्लांट नहीं होता, ये ईजिली ग्रो करता है बाहर भी, लेकिन जब पाला गिरता है तो इसकी कुछ पत्तियां जो है वो ख़राब हो सकती है। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें जब पानी कम होगा और तब पाला गिरेगा तब पत्तियां ख़राब होगी। अगर इसमें हम पानी कंटिन्यू देते रहते हैं तो पाले गिरने से भी बहुत कम चांस होते हैं कि पत्तियां ख़राब हो। लेकिन इस टाइम पर क्या होता है, अगर आप बॉन्साई लवर हैं और बॉन्साई ग्रो करना चाहते हैं तो इस टाइम पे क्या है, जनवरी के लास्ट तक जो है आप इनकी जो पत्तियां हैं वो सारे रिमूव कर दें और उसकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं, या नया प्लांट है तो उसको शेप दे सकते हैं। तो आज थोड़ा सा काम मैं आपको इस पे करके दिखाऊंगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप शेप देना चाहते हैं तो इसको पहले डीफोलियज करना पड़ेगा, यानी कि सारी पत्तियाँ इसकी जो है रिमूव करनी होगी। तो इसको रिमूव, इसकी पत्तियाँ रिमूव करने के लिए एक सीजर आती है स्पेशल बॉन्साई के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी कटर यूज़ कर सकते हैं। बॉन्साई सीजर आपको शायद ऊपर दिख रही होगी, मैं दिखा देता हूँ। ये एक सीजर आती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सीजर मेरी काफ़ी पुरानी है, बारिश में बाहर रह गई थी जिससे इस पर जंग लग गया है हल्का हल्का। तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, पहले इसको क्लीन करेंगे उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। तो आज मैं जो है जो हमारा टूल है ये कटर, इससे हम इसकी जो डीफोलेज में हेल्प करेंगे, और एक छोटी सीजर है मेरे पास उससे हम करेंगे। तो इसको अभी मैं फिलहाल रख देता हूँ। देखिए पत्तियाँ रिमूव करने का भी एक तरीका होता है, ये जो पत्ती है और ये ऊपर का जो इसका डंठल है, आपको जब डीफोलेज करना है तो इसको यहाँ से कट नहीं करना है, बिल्कुल एंड से आपको कट करना है। देखो यहाँ से ये जो डंठल है इसको आप प्लांट पे लगा रहने दे और इसको ऐसे कट करना है, तो ये हिस्सा आपको प्लांट के ऊपर छोड़ना है ताकि जो प्लांट है रीग्रो जल्दी करे और अच्छे से कर पाए, क्योंकि इसका जो यहाँ का हिस्सा है इनसे नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। अब मैं इसकी जो पत्तियाँ हैं वो रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ इस तरह से। ये काम आपको कब करना है, आप कीजिए इसको जनवरी के लास्ट में या फरवरी में, क्योंकि अभी भी थोड़ा टाइम है। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अगर अभी करूँगा तभी आप सबके पास जो वीडियो जाने में टाइम लग जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों के पास वीडियो लेट पहुँचे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनके पास हो सकता है वीडियो लेट जाए, और इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि वीडियो को जो है हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालता हूँ या मैं लाइव आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो नए होते हैं, जो बिगिनर होते हैं इस लाइन में, उनको प्रॉब्लम ये आती है कि जो पत्तियाँ रिमूव करने का मन नहीं करता, वो सोचते हैं कि यार इतनी मुश्किल से पत्तियाँ आई है तो उनको रिमूव क्यों किया जाए। लेकिन इस टाइम में अगर आप रिमूव करेंगे तो क्या फरवरी में प्लांटों की नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो आपके पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए डीफोलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीफोलेज करने के बाद ही बॉन्साई की जो शेप है उसका आपको पता चलेगा कि कैसी इसकी शेप हमें देनी है। दोस्तों बॉन्साई के ऊपर मेरे काफ़ी वीडियोज हैं, अगर आप बॉन्साई बनाना चाहते हैं तो मेरी बॉन्साई की जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर लीजिए, आप इजीली जो है बॉन्साई बना सकते हैं। वैसे तो प्रोफेशनल बॉन्साई के लिए काफ़ी टूल्स और काफ़ी चीज़ें की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है सिंपल तरीके से, यानी कि अगर आप एक गार्डनर हैं तो भी आप जो है बॉन्साई बना सकते हैं अपने खुद के लिए। बॉन्साई के ऊपर काफ़ी क्वेरी भी आ रही थी कि बॉन्साई के वीडियोस नहीं अपलोड हो रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर काम तो करना ही है, एक वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। एक्चुअली में क्या बॉन्साई के अंदर बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है और बिगिनर को क्या होता है, बिगिनर को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके प्लांट की अगर केयर अच्छे से ना की जाए तो प्लांट मर जाते हैं, फिर वो दोबारा से इस लाइन में आना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि प्लांट ख़राब होते हैं इसमें। बॉन्साई के अंदर बॉन्साई सोइल की प्रॉब्लम अगर आपको आती है कि बॉन्साई सोइल हम कैसे बनाएं, तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं। आप स्टार्टिंग में नॉर्मल सोइल भी यूज़ कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि जो सोइल है वो वेल ड्रेन हो, तो उसके अंदर आप सैंडी सोइल यूज़ कीजिए, यानी कि जो सैंड होती है उसके अंदर आप जो कंपोस्ट वगैरह जो है वो मिलाएं। जितने भी पार्ट्स आप सोइल में मिलाएं उनका साइज जो है वो ज़्यादा बारीक ना हो, उनको छनली से छान ले, छनली के नीचे जो निकलता है उसको आप अपने किचन गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, और जो मोटे पार्ट्स बचते हैं उनको आप इस सोइल में यूज़ कर बॉन्साई सोइल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्साई सोइल ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा देर तक रुके ना। और दोस्तों क्योंकि बॉन्साई पॉट जो है वो छोटी होती है तो उसके अंदर जो सोइल होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए आपको वो सोइल ऐसा देना है जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी पूरा हो। टाइम टू टाइम इसको फर्टिलाइज करें,
जैसे कि आप एनपीके 1919 जो है उससे इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, और सोइल के अंदर जो कंपोस्ट है वो ऐड कर सकते हैं ताकि पौधे को जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि वो हेल्थी रहे। अदरवाइज क्या होगा कि जो पॉट है इसका छोटा होता है तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। बोनसाई का मतलब क्या होता है, जो बिगिनर है वो सोचते हैं बोनसाई क्या है, तो देखिए बोनसाई का मतलब यही है कि नेचर में जो प्लांट्स हम देखते हैं, आप अपने आसपास जो बड़े ट्रीज देखते हैं उन्हीं ट्रीज की जो शेप है वो हमें एक इस तरह के जो छोटे पॉट है इसके अंदर जो प्लांट लगाते हैं उसको वैसी शेप देनी है जिससे कि वो ऐसा लगे जैसे बड़ा पेड़ हो। बोनसाई टेक्निक के अंदर हमें कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो टूल होना चाहिए आपके पास, अगर कोई स्पेशल टूल बोनसाई का नहीं भी है तो कटर ज़रूर हो। उसके बाद बोनसाई सोइल बना लें आप, और कुछ वायर की ज़रूरत होती है जो एल्युमिनियम वायर होती है ताकि हम जो है इनको शेप दे सकें। अगर आपके पास वायर नहीं भी है तो आप जो क्लिप एंड ग्रो मेथड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। क्लिप एंड ग्रो मेथड पर भी मैं जो है वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली में क्या क्लिप एंड ग्रो मेथड ये होता है कि आप जैसे कि ये ब्रांच है इसको यहाँ से कट करेंगे तो इसमें से एक ब्रांच निकल जाएगी, तो आप उस हिसाब से इसमें नई नई ब्रांचें ग्रो कर सकते हैं और पौधे को जो शेप है वो दे सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, बोनसाई जो है वैसे अगर आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, इसलिए आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपका बोनसाई को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी टाइम अभी है, अभी आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बोनसाई के जितने भी काम हैं मोस्टली आप इस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या है जैसे ही फरवरी आएगी प्लांट अपनी ग्रोथ पे रहेगा, तो प्लांट क्या है इस टाइम पे कमज़ोर नहीं होता, अपनी ग्रोथ इजीली कर लेता है, रिपोर्टिंग के बाद भी सर्वाइव कर जाता है। दोस्तों अगर बिगिनर के लिए अगर मैं बात करें कि कौन से प्लांट से बिगिनर को स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो है मुझे सबसे बेस्ट लगता है फाइकस। फाइकस को आप इजीली बिगिनर भी इजीली ग्रो कर सकते हैं, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, अगर हम इसकी एक छोटी सी कटिंग भी लगाएंगे तो वो भी ग्रो हो जाएगी, तो इसलिए फाइकस बेस्ट है। फाइकस के प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, अगर बाय चांस आपको ना भी मिले तो आप हमारे स्टोर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जो है बोनसाई के लिए जो फाइकस है, जेड प्लांट है या कोई और प्लांट है जो मेरे पास है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी पत्तियां जो है वो हमने रिमूव कर दी है, अब ये पूरी तरह से डिफोलेज हो गए हैं, ये देखिए अब इसकी शेप जो है वो आपको दिख रही होगी, एक जो ट्री होता है जो बड़ा ट्री होता है उस तरीके से आपको प्लांट दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम इसको शेप और अच्छे से दे सकते हैं। तो ये प्लांट देखिए हमारा डिफोलेज हो गया है, इनकी पत्तियों को अगर मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे जो दो प्लांट छोटे छोटे दिख रहे हैं ये एक्चुअली में इसी की कटिंग मैंने इस पे लगाई थी वो है ये। अब देखिए इसके अंदर क्या ग्रो करना होता है, हमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये ब्रांच है, ये एक एक्स्ट्रा ब्रांच है, इसकी हमें वैसे ज़रूरत नहीं है, तो ये जो ब्रांच है इन पर वायरिंग करके इनको इस तरह से और थोड़ा सा टेढ़ा इनको शेप देना होता है ताकि एक ट्री लगे, ये एक रियल ट्री लगे इस तरह से, तो इस पे हमें वायरिंग करनी होगी और वायरिंग करके जो हम इसको एक अच्छी शेप दे पाएंगे। तो अभी मैं इसमें वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगा, ऐसे रहने दूंगा, मैंने सिर्फ इसको डिफोलेज किया है, अगर मुझे लगेगा कहीं कुछ ब्रांचों में तो मैं वो काम करूँगा, अदरवाइज मुझे ऐसे ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचें होंगी वो मैं रिमूव कर दूंगा, वो भी मैं इसकी शेप चेक करके। आप शेप कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे ये ब्रांच एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रांच आपको नहीं चाहिए तो इसको रिमूव करने से पहले आप हाथ से या एक वाइट पेपर ले लीजिए उससे इसको छुपा दें और फिर एक बार देखें आपका प्लांट कैसा लग रहा है। अगर इसके बिना आपका प्लांट अच्छा लग रहा है फिर तो आप इसको रिमूव कर दें, अगर आपको लग रहा है कि इसके बिना प्लांट अधूरा लग रहा है या कुछ शेप अच्छी नहीं आ रही तो आप इसको छोड़ दें, इसको आप छोटा कर सकते हैं या आप इसको इस तरह से वायरिंग से जो है शेप दे सकते हैं। तो ये बोनसाई की कुछ टेक्निक है जो आप यूज करके एक अच्छा बोनसाई बना सकते हैं। बोनसाई के अंदर वायरिंग कैसे करनी चाहिए इस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करेंगे। दोस्तों आप में से किन किन को जो है बोनसाई का शौक है और किन किन के पास बोनसाई है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।